साथियों, बिहार जो कौमी एकता के लिए जाना जाता है, आज दंगों की लपट में बुरी तरह से झुलस रहा है और सरकार इतनी असहाय, इतनी असमर्थ महसूस कर रही है खुद को तमाम शासन और प्रशासन की अपनी अंतर्निहित क्षमता के बावजूद कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है और लोगों के बीच जिस तरह से हिंसा उन्माद फैलाया जा रहा है उन्मादी ताकतों के द्वारा, नफरत गर्दों द्वारा, उससे निश्चित रूप से बिहार 40 साल पीछे चला गया है। हाल ही में जिस तरह से वहां भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, रामनवमी के नाम पर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे लगातार तलवार भांज रहे हैं, बहुत तरह के वाहियात स्पीचेस उनके आ रहे हैं, फेसबुक से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे माहौल में जिस तरह से मुख्यमंत्री एक ऐसे पार्टी के साथ सरकार में है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 सिपाही के साथ मुझे अनुमति दें तो मैं उनके कदमों में लाकर रख दूंगा, जो अश्विनी चौबे का बेटा दंगे का आरोपी है। तो ये कुल मिला के नकारा प्रशासन की जो विफलता है उसको लेकर उन्होंने कहा कि लटर पटर से शासन नहीं चलता, दंगा रोकने के लिए कलेजा चाहिए। मैं आज आपको लालू प्रसाद ने जो 90 की रैली में पटना के गांधी मैदान से हुंकार भरा था कौमी एकता के लिए, जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता और आप सब उस बात से वाकिफ हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उनके शब्द थे, मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं देश हित में। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन इबादत देने जाएगा मस्जिद में। 24 घंटा मैं निकाह रखा हूँ, हमने अपने शासन की तरफ से, अपनी तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का व्यवस्था किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जान जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तब फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं। ये उस वक्त उनके शब्द हैं। पर जब बाबरी मस्जिद को गिराकर गंगा जमनी तहजीब को कुचल दिया गया, पूरी कौमी एकता को तहस नहस करने की कोशिश की गई, तो पूरे मुल्क के अमन पसंद लोगों ने उसकी निंदा की। 6 दिसंबर 1992 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने RSS की मजम्मत करते हुए कहा था, बाबरी मस्जिद को गिराकर सांप्रदायिक शक्तियों ने पूरे विश्व में भारत को कलंकित किया है। 30 जनवरी यदि राष्ट्रीय शोक का दिवस है तो 6 दिसंबर राष्ट्रीय शर्म का दिवस होना चाहिए। लालू प्रसाद ने 7 दिसंबर 1992 को बाकायदा आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए सूबे की जनता को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की, जिसके कुछ अहम अंश यूं हैं। बिहारवासी भाइयों एवं बहनों, आप सभी जानते हैं कि वर्षों की गुलामी को काटने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे पुरखों ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली और देश की जनता, चाहे कश्मीर की हो या कन्याकुमारी की, सभी जात सभी धर्मों के लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए बड़ी भारी कुर्बानी देने का काम किया था और आपसी एकता और हमारे पुरखों की कुर्बानी की वजह से देश आज़ाद हुआ। अपने संविधान में जो पिछड़े भाई हैं, दबे कुचले लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था की थी हमारे पुरखों ने कि हम उनको सेवाओं में विशेष अवसर देंगे, आरक्षण की व्यवस्था दी थी। यह देश सबों का देश है, यह धर्म निरपेक्ष देश है, अलग भाषा अलग बोली हर मजहब का समान आदर किया जाएगा। लेकिन 45 साल की आज़ादी और हमारी कुर्बानी को इस देश में भाजपा RSS VHP ने राम रहीम का बखेरा उठाकर धर्म को राजनीति से जोड़कर अयोध्या में जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक था बाबरी मस्जिद, उसे ढहाने का काम किया। इससे न केवल करोड़ों अकलियत के लोगों के, पूरे राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष जनता के मन में दुख और शोक भय की लहर फैल गई, बल्कि हम भारत के लोग दुनिया में कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं। बाबरी मस्जिद पर किया गया प्रहार देश के लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता पर किया गया प्रहार है। हम सभी मर्माहत हैं और कभी भी इसे चुपचाप देखते नहीं रह सकते। भारत की जनता में वह ताकत है जिनसे बेमिसाल ताकत वाली ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ फेंका, इमरजेंसी लागू करने वाली ताकत को धूल चटा दी और शिलान्यास करने की छूट देने वाली सरकार के पाए ठा दिए। हम इस मामले को देश की अमन पसंद जनता की अदालत में ले जा रहे हैं और जिन लोगों ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा है, उनके मंसूबों को भी हम सत्य और अहिंसा के बल पर चकनाचूर कर देंगे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि नफरत का जवाब मोहब्बत से और हिंसा का जवाब अहिंसा से देना चाहिए। मैं आप लोगों को पूरा यकीन दिलाता हूँ कि फिरका परस्त लोगों को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब हम अपने सद्भाव और मोहब्बत से जख्म भर देंगे। यह तभी मुमकिन है जब हम सब पूरे सब्र से काम लें और आपसी भेदभाव को भुलाकर सद्भाव पर कोई आँच नहीं आने दें। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में हमारे पूरे मुल्क की तहजीब व तमद्दुन की रूह बसती है। इनमें किसी को भी कोई नुकसान होता है तो हम में से हर शख्स का ज़ाती नुकसान होता है। अयोध्या में हुई घटना से हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दिल पर गहरी चोट पहुंची है। हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है और धर्मनिरपेक्षता पर हुए हमले का मुकाबला हम सब अपनी चट्टानी एकता के बल पर ही करेंगे। बाबरी मस्जिद पर किए गए हमले की हम जोरदार निंदा करते हैं और इस हमले के लिए ढिलाई बरतने वाली सत्ता के मठाधीशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आपसे हमारी अपील है कि हर गांव, शहर, गली और मोहल्ले, खेत और खलिहान में शांति और सद्भावना, दोस्ती और भाईचारे का माहौल बनाए रखें। विशेषकर जो गांव के गवई लोग हैं, गरीब और लाचार लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, बुद्धिजीवी भाई हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले हैं, उन सभी भाइयों से हम अपील करते हैं। आज देश ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, इस देश की रखवाली करना, देश को बचाने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। आप अफवाहों पर कान न दें, हर कदम, हर मोर्चे पर सांप्रदायिकता को शिकस्त दें। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि वे धैर्य और संयम बरतें, उकसावे में ना आवें। देश की बहुसंख्यक गरीब और लाचार जनता धर्म निरपेक्षता में विश्वास करती है और इन्हीं ताकतों के द्वारा हम उस जहरीले सांप को जिसने देश को ऐसे मोड़ पर खड़ा किया है उसके घाव को निकालने का काम करेंगे। हम बिहार के भाइयों और बहनों से पुरजोर अपील करते हैं कि जहां अपना राज्य भूख, अकाल और सुखार में है, वहीं ऐसे हालात पैदा करने के पीछे के कारण आप आसानी से समझ सकते हैं। उनकी मंशा गरीबों की भलाई में नहीं है, उनकी इच्छा है कि हिंदुत्व फैलाओ, हिंदू मुस्लिम दंगे कराओ और फिर से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाओ। यही इसके मन में अरमान है। इनके अरमान को हम सफल नहीं होने देंगे। गरीब जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई और बहन से हम अपील करते हैं कि आज इस देश की रक्षा की जिम्मेवारी विशेषकर बिहार के लोगों के कंधों के ऊपर है। जो भाई भाई में फूट डालने वाली ताकतें हैं उनको दरकिनार करेंगे, यही हम आप सबसे अपील करते हैं। बिहार से ही सद्भावना का संदेश पूरे देश में फैला, पूरे देश को एकजुट होकर माला में गूंथने की जिम्मेवारी आप सभी के कंधों पर है। हम आपसे आपका सहयोग चाहते हैं। सरकार ने हर जगह निगरानी रखी है, हम हर जगह जागरूक हैं, सचेत हैं। शासन को हिदायत दी गई है कि जहां भी कोई बलवाई हो, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब का मानने वाला हो, उससे सख्ती बरती जाए। दंगा फसाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस कार्रवाई में हम लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनसे औजार बनवाया जाता है दंगा फसाद कराने के लिए, उनसे हमारी अपील है कि इन ताकतों से अलग थलग रहेंगे, कोई भी अफवाह नहीं सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी भाइयों बहनों को इकट्ठे नमस्कार, जय हिंद, आदाब सलाम करके अपनी अपील को, अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो ये जो अपील तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी की थी 7 दिसंबर 1992 को आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए, आज इस अपील को बिहार के कोने कोने में पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार आज फिर से उसी मोड़ पर आखड़ा हुआ है और वो तमाम ताकतें जो इस देश को सींचने में जिनका कहीं कोई योगदान नहीं है, जिनका काम तोड़ना ज़्यादा है, बनाने का कोई विजन उनके पास नहीं है, लोगों के बीच नफरत फैलाकर, घृणा फैलाकर, एक दूसरे के मन में वैमनस्य का जहर बोकर वो अपनी सत्ता की फसल काटना चाहते हैं। और जब किसी भी तरह से वो यूपी में भी सफल नहीं हो पाए, चुनाव में वो बुरी तरह से हारे, बिहार में अररिया में जब उनकी हार हुई तो तरह तरह का बखेरा खड़ा किया गया, तरह तरह का बयान दिलवाया गया, चाहे वो गिरिराज सिंह हो जिन्होंने कहा कि आतंकवादियों का अड्डा हो जाएगा, और तब राबड़ी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ कहा था कि सबसे बड़े आतंकी इस देश के तो भाजपा के केंद्रीय कार्यालयों में बैठे हुए हैं। तो साथियों, आप सब किसी भी के भी बरगलाने में ना आए, और बिहार जो एक तरह से रास्ता दिखाता रहा इस देश को और तमाम नफरत गर्दी को सिरे से खारिज करता रहा है, वहाँ पर बहुत विवेक के साथ, बहुत ही संयम के साथ आज एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत है। और वो चंद लोग हैं जो इस तरह से आग लगा रहे हैं और उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने दें। उनका जो काम है, उनका जो फ़र्ज है, वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो जिगर मुरादाबादी के इस शेर, इस ख्याल के साथ
हम आपसे बहुत ही विनम्र अपील करते हैं कि बिहार को उन लपटों से बचाने में आप आगे आएं। यही वक्त है जबकि शिक्षा जगत के लोगों का, शिक्षाविदों का, बुद्धिजीवियों का, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स का और समाज के जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी सोचते हैं उसकी भल मनसाहत के साथ कि वो समाज आगे बढ़े और ये फजूले के इशूज को भड़का कर राजनीति को धर्म से जोड़कर न देखा जाए, वो समाज आगे आए, उनकी जिम्मेदारी महती है। इसी से देश बचेगा, इसी से बिहार बचेगा और आने वाली नस्लें शर्मसार से खुद को बचा पाएंगी। बहुत शुक्रिया।